कहते हैं कि जिसका कोई नहीं उसका दिल्ली का जंतर मंतर है। कम से कम वहां जाकर अपनी शिकायत तो रखी जा सकती है। ये अलग बात है कि अब मीडिया के पास इन यहां पर पहुंचकर विरोध करने वालों तक पहुंचने के लिए वक्त बहुत कम रह गया है। इसी जंतर मंतर पर अब कई ऐसे लोगों ने प्रदर्शन शुरू किया है जिन्होंने 2018 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरी तरह पास कर ली थी, इसके बावजूद इनमें से हजारों को नौकरी दी ही नहीं गई। ये तब है जब खुद सरकार कह चुकी है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है उसमें करीब 1 लाख वैकेंसी है, खाली जगह है। परीक्षा पास करने वाले इन लोगों का आरोप है कि उन्हें नौकरी देने के बजाय अब सरकार ने नई भर्तियों के लिए आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं। ये लोग फिजिकल और मेडिकल भी पास कर चुके हैं और अब तो कई के लिए सरकारी नौकरी ज्वाइन करने की उम्र भी निकल गई है या निकलने वाली है। राजीव रंजन की रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे इन प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने समझाया और फिर हटाने के लिए लाठी चलाई। पुलिस के खिलाफ नारे भी लगे। ये वो बेरोजगार हैं जिन्होंने 3 साल पहले SSC GD की परीक्षा पास की, फिजिकल और मेडिकल कसौटियों पर भी खरे उतरे, लेकिन इन्हें नौकरी नहीं दी गई। करीब 60,000 भर्तियां होनी थी, 55,000 हुई, इनको छोड़ दिया गया। वैसे कुल 1,09,000 लोग हैं जो इस नौकरी के दावेदार हैं। इनमें से कई की उम्र किसी सरकारी नौकरी के लिए निकल भी गई। मेरे 3 सिस्टर हैं, ना उनकी अभी शादी की है। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं सर, रहने के लिए एक झोपड़ी है और नहीं किसी ना रहने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ का एक सहारा था, मेहनत मजदूरी करके उसने मेरे को कोचिंग करवाई, कोचिंग की फीसें भरी और 3 साल मेरे को तैयार करने के बाद भी मैं 0.02 से रह गया SSC GD में। तो मैं सरकार से एक ही अपील करना चाहता हूँ, ऑल कैंडिडेट को जोनिंग दे। हमारे पास अब मैं ओवरएज भी हो गया हूँ, ना मैं कोई भर्ती देख सकता, नहीं कोई, हमारा सपना वो चूर हो गया। हम बस ये चाहते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग हो, क्योंकि इनके पास जब पद खाली पड़े हैं तो हम लोग क्यों नहीं ले जा रहा, क्योंकि हम मेडिकल फिट, रिटर्न फिट, फिजिकल फिट सब कुछ हमने सारी स्टेज पास कर लिया। हम तो ये चाहते हैं कि बस सरकार हमको भर्ती कर ले, क्योंकि हमें अगर 6 महीने तक ये रखेंगे भी ना, हम बॉर्डर पे की सिक्योरिटी करने के लिए तैयार है, क्योंकि हम तनख्वाह भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमको बस ज्वाइनिंग दो। अगर इनके पास जो है ना मतलब वित्त नहीं है ना, तो हम वो भी स्वीकार है, लेकिन हमको बस ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि हम जो है ना हमारे पास लास्ट मौका है, क्योंकि हम अब दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते, हमारी ओवर एज हो चुकी है। अपनी कहानी बताते मेघा डबरवाल की आंखें डबडबा जाती है। मैट्रिक पास योग्यता वाले इस पद में मेघा MCOM है, NCC का भी सर्टिफिकेट है, पर भर्ती नहीं हो पाई। जो पास हुए उनके लिए पैरा मिलिट्री फोर्स में सिपाही बनने का रास्ता साफ हुआ। आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, फाइनल ईयर में अगर किसी लड़की को NCC मिली होगी तो। मैंने फाइनल ईयर में NCC इसलिए ली थी कि मैं आगे चल के देश की सेवा कर सकूं। 3 साल NCC करने के बाद, NSS करने के बाद और स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल तक खेलने के बाद जब मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हूं, तो बहुत अखरती सर कि कम नंबर वाले मेरिट में शामिल है और हम योग्य होके भी यहां रोड पर बैठे। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं है? कोई विकल्प नहीं सर, हम लोग 3 बहन हैं, पापा मजदूरी करते हैं और मैं बड़ी हूँ घर में, तो सबसे बड़ी होने के नाते मैंने यही सोची थी कि सबसे मतलब मैं अपने परिवार को संभालूं, अपने परिवार का देखरेख करूं, क्योंकि भाई तो है ही, हम लोग 3 बहन हैं और घर में बड़ी होने के नाते एक लड़के की भांति मैंने अपने आप को बना के रखी हूँ। सरकार से बस यही मांगे कि ऑल मेडिकल फिट को ज्वाइनिंग दी जाए, क्योंकि हम लोग शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बताड़ित हो गए हैं, कई लोग ने आत्महत्या कर ली है। ऐसा ना हो कि ये जो युवा है देश हित की रक्षा करने के खातिर गलत रास्ते पे आ जाए। मेघा अकेले नहीं, यहाँ हर युवा का अपना दर्द अपनी कहानी है। पश्चिम बंगाल के सुष्मिता के घर में कोई कमाने वाला नहीं। अगर हमें नौकरी मिल जाती तो मेरा जो छोटा भाई है वो अच्छे से पढ़ पाएगी, खाना खा पाएगी। बोलते हैं आपके सारे सपने आपके लगभग टूट गए हैं। सारे सपने टूट गए हैं सर, और जब छोटी थी तब से मम्मी छोड़ के गई है, हम 2 बहन छोटी भाई थी, हमने बहुत मेहनत करके यहाँ तक आई हूँ सर, हर रोज बहुत मेहनत की हूँ सर, उसके बाद भी हमें ज्वाइनिंग दे दिया गया सर। हमें सरकार से यही विनती है कि हो हमें ज्वाइनिंग दे दी सबको, ऑल मेडिकल फिट को। बहुत दिक्कत आ रही है सर, हमें घर में बहुत परेशानी आ रही है, रहने नहीं पा रही सर घर में। इस भीड़ में आस एक बार तब जगी जब इसी पद के लिए सरकार की तरफ से वैकेंसी फिर से निकली।
पहले ही करीब 5,000 कम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था, फिर नई वैकेंसी ने इन सबको उम्मीद दी है। इन्होंने सिर्फ 55,000 पदों पे ही कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी, नियुक्ति पत्र जारी किया है, जबकि हमारे पास जो वैकेंसी निकाली थी इन्होंने 60,210, उसमें से 5,000 खाली पद छोड़ दिए हैं। और अभी नित्यानंद राय जी ने अभी संसद भवन में ट्वीट अपना बयान दिया था कि केंद्रीय बलों में 1,09,000 पद जो है वो खाली पड़े हुए हैं ऑलरेडी, तो हम 55,000 जो बचे हुए कैंडिडेट है उनको क्यों नहीं ले रहे हैं? देश के लिए आप लोग कुछ करना चाह रहे हैं आप लोग? जी इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, इसीलिए तो हम यहाँ धरने के लिए हैं, नहीं तो बैठे रहते घर पे। हम देश की बैठे देश की सेवा ही करने तो आए हैं, हमारी बहनें भी कर रहे हैं। सरकार कहती है, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन सड़क पे बैठाओ, क्या यही नीति है सरकार की? गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में गृह राज्य मंत्री ने संसद में बयान दिया है कि केंद्रीय पुलिस बलों में 1,00,000 पद खाली पड़े हैं। अब ये धक्के खा रहे हैं 3 साल से, और वो भी 1,09,000 मेडिकल फिट हुए हैं, यानी कि 50-50 यहाँ भी चल गया, यानी 54,000 वहाँ ले लिए और 54 ये सड़क पे छोड़ दिए। ये गंभीर सवाल है। रोना लंबी भर्ती प्रक्रिया का भी है। 2018 की वैकेंसी रिजल्ट 2021 में आवेदन करने वालों की दलील है कि वो तमाम क्राइटेरिया में फिट हैं, लेकिन 3 साल के इस लंबे अंतराल की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्र अब किसी नौकरी के लिए आवेदन करने लायक भी नहीं रही। इन युवाओं की मांग इस लिहाज से वाजिब लगती है कि जब सरकार के पास इतनी बड़ी संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार मौजूद है तो फिर चयन के लिए नए सिरे से कवायद करने की क्या जरूरत है। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरामैन पूजा आर्या के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया।